कार्तिक मास महात्म्य छठा अध्याय। यहाँ तक की कथा सुनकर उत्सुकतावश नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, कृपा कर शालिग्राम के पूजन की उत्तम विधि बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, गंडकी नदी के उत्तर में 40 कोस दूर तक की पृथ्वी महाक्षेत्र कहलाती है। यहाँ शालिग्राम और गोमती चक्र पाए जाते हैं। गोमती चक्र युक्त चरणामृत लेने से मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। शालिग्राम युक्त चरणामृत मनुष्य के लिए मोक्ष प्रदायी है। विश्वास एवं श्रद्धा से लिया चरणामृत रोग नाशक होता है और आयुवर्धक माना जाता है। यह सुनकर नारद जी बोले, हे परमपिता, गोमती चक्र का महत्व बताइए। गोमती चक्र का महत्व बताते हुए ब्रह्मा जी बोले कि जिस गोमती चक्र में एक चक्र हो वह सुदर्शन, जिसमें दो चक्र हो वह नारायण, तीन चक्र वाला अच्युत, चार चक्र वाला जनार्दन, पांच चक्र वाला वासुदेव, छह चक्र वाला प्रद्युम्न, सात चक्र वाला संकर्षण, आठ चक्र वाला नलकूबर, नौ चक्र वाला नवव्यूह और 10 चक्र वाला दशावतार कहलाता है। हे पुत्र, जो मनुष्य भगवान शालिग्राम का पूजन करता है वह अवश्य ही जीवन मुक्त हो जाता है। वत्स, पूजन का आधार है श्रद्धा। पूरी श्रद्धा से भगवान का कीर्तन करना चाहिए। अथा जो मनुष्य पूरी श्रद्धा से कीर्तन में गायन करता है, वीणा बांसुरी या मृदंग आदि बजाता है, वह भगवान को अति प्रिय होता है। इसके साथ ही षोडशोपचार पूजन और निश्चित मंत्रों द्वारा उच्चारण करते हुए भगवान की पूजा करनी चाहिए। हे नारद, पूजन भले ही मंत्र अथवा क्रिया विहीन हो मगर श्रद्धा से रहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा से किया गया पूजन ही पूर्ण फलदायी होता है। अब नारद जी ने पूछा, हे पिता, कार्तिक मास में जो दीपदान किया जाता है उसका महत्व कहिए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, दीपदान के लिए दीप चाहे सोने का हो या चांदी, तांबा, आटा अथवा मिट्टी कैसा भी हो सकता है, दीपक प्रज्वलित करके भगवान की प्रतिमा के आगे तुलसी वृक्ष के समीप, चौक में, ब्राह्मण के घर पर, वृक्ष के नीचे, वन अथवा गौशाला आदि में रखना चाहिए। जो श्रद्धालु आकाश में ऊंचा रखकर दीपक जलाता है उसके धन में वृद्धि होती है तथा वह देह त्याग कर वैकुंठ धाम को जाता है। जो ब्राह्मण के घर दीपक जलाता है उसे यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। दीपदान करने वाला भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करेगी, हे भगवान, मैं आपके निमित्त दीप जलाता हूँ। हे पुत्र, अलग अलग महीनों में अलग अलग तीर्थों पर वास करने का भी उत्तम फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में मथुरा में, माघ मास में प्रयाग में और वैशाख मास में हरिद्वार का वास अति उत्तम होता है। सूर्य के तुला, मकर और मेष राशि का होने पर किए गए व्रत, नियम और पूजा अत्यधिक फलदायी होते हैं। इन महीनों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश हो जाता है। हे पुत्र, जिस प्रकार सूर्य के भय से अंधकार, गरुड़ के भय से सर्प, सिंह के भय से मृग, वज्र के भय से पर्वत, पवन के भय से मेघ और ज्ञान के भय से दुख दूर भाग जाते हैं, उसी प्रकार तीर्थों के दर्शन से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, कार्तिक मास में स्नान, जागरण, तुलसी सेवन, दीपदान और भगवान के मंदिर में सफाई आदि करना उत्तम सेवाएं मानी जाती है। इस मास में भगवान की कथा और कीर्तन आदि उत्तम और मनवांछित फल देने वाले होते हैं। यहाँ तक की कथा सुनकर श्री नारद जी ने पूछा, हे परमपिता, पूर्व जन्म के पापों के विषय में बताइए। पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं? तब ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, मनुष्य कभी कभी अपने अनेक जन्मों में से किसी एक जन्म में किए गए पाप का दंड भोगता है। मनुष्य योनि भोग योनि कही गई है। अतः यह जानना कठिन है कि मनुष्य
कब किस जन्म में किए गए पाप का दंड भोगता है और किस रूप में भोगता है, परंतु शारीरिक कष्ट, अपयश, कलंक, धन हानि, पुत्र क्षति आदि सभी पूर्व जन्मों के पापों के फल है। हे नारद, भगवान का नाम स्मरण, सेवा, दान और कृच्छ आदि व्रत से मनुष्य अपने पापों से मुक्त होता है। यह जानकर नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, कृच्छ आदि व्रतों के विषय में कृपा कर विस्तार से बताइए। इसको स्पष्ट करते हुए ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दिन में केवल एक समय भोजन करना पादकृच्छ व्रत, 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से अतिकृच्छ व्रत होता है। सायंकाल 22 और प्रातःकाल 26 अथवा 24 ग्रास भोजन करना भी अतिकृच्छ व्रत कहलाता है। 3 दिन भोजन करें और 3 दिन उपवास करना भी अतिकृच्छ व्रत कहलाता है। इसी प्रकार सायंकाल और प्रातःकाल 1-1 ग्रास और 2 दिन बिना मांगा भोजन करें तथा अगले 2 दिन शुद्ध उपवास करने पर कृच्छार्थ व्रत होता है। हे पुत्र, 21 दिनों तक केवल दूध अथवा जल पीकर रहने पर कृच्छाधिकृच्छ व्रत होता है। 12 दिनों तक उपवास करने को पुराक व्रत कहते हैं। 4 दिनों तक उपवास करना, तत्पश्चात सत्तू खाना अथवा छास पीना, उसके बाद ब्राह्मण को वस्त्र एवं दक्षिणा देना, इसे सौम्य कृच्छ व्रत कहा गया है। हे पुत्र, इस प्रकार व्रत करने, ईश्वर की भक्ति करने तथा साधु संतों की सेवा करने से सब पापों का नाश होता है। इसी प्रकार मनुष्य को तप्त कृच्छ व्रत, जल कृच्छ व्रत और पितामह कृच्छ व्रत करनी चाहिए। तप्त कृच्छ व्रत में तपा दूध, घी और जल 1-1 द्रव्य प्रतिदिन पिए और 1 दिन उपवास करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित रहे तो इसे जलकृच्छ व्रत कहा जाता है। ऐसा करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पितामह कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान कृष्ण का पूजन करना चाहिए। इससे साधक सभी लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को जाता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन केवल दूध पीकर नवमी से 3 दिन उपवास करने से वैकुंठ का वास मिलता है। 3 दिन तक अन्न खाए, फिर 3 दिनों तक व्रत करने से पत्र पंचक व्रत होता है। हे पुत्र, जो मनुष्य 1 से 5 तक केवल दही सेवन करे तथा 1 और 2 को भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करे तो इसे यास्क कृच्छ व्रत कहते हैं। इसे करने से श्रद्धालु को श्वेत द्वीप का वास मिलता है। हे नारद, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रतिदिन अपने अन्न उपवास को तोड़ने के उपरांत भोजन की मात्रा को 1-1 ग्रास बढ़ाना और कृष्ण पक्ष में 1-1 ग्रास कर अमावस्या को निराहार रहना चंद्रायन व्रत कहलाता है। 1 ग्रास में व्रती उतना ही ले जो सामान्य रूप से मुंह में अच्छी तरह आ जाए। हे पुत्र, आरंभ में जो गाय के 4 स्तनों का, फिर 7 दिन केवल 2 स्तनों का और फिर 6 दिन केवल 1 स्तन का दूध पीता है, उसके उपरांत 3 दिन केवल वायु पर जीवित रहता है, वह सोमपान व्रत करता है। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है। हे महर्षि, जो मनुष्य कार्तिक मास में नियम पूर्वक गेहूं अथवा चावल की कांजी, दुग्ध, घृत, दधि, जल और पंचगव्य का सेवन करता है, वह सप्ताशक कृच्छा व्रत करता है। इस व्रत को करने वाला विष्णु लोक का अधिकारी होता है। पलाश, बेल, गूलर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर 1 का व्रत कर 2 को पारण करने वाला वैकुंठ का अधिकारी होता है। जो मनुष्य कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को केवल जल कमल का सेवन करे और 1 व्रत करे तो इसे लक्ष्मी व्रत कहा जाता है और इसे करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कार्तिक सुदी 14 को विधि पूर्वक व्रत तथा गौरी का पूजन करना चाहिए। व्रत के बाद गौ घृत से हवन करना चाहिए।
हवन वैदिक मंत्रों से किया जाता है। इस प्रकार व्रत की पूर्ति हवन द्वारा करने से श्रद्धा बढ़ती है। ईश्वर के प्रति आस्था दृढ़ एवं स्थिर होती है। व्रत समाप्ति पर ब्राह्मण को भोजन एवं वस्त्रादि, दक्षिणा एवं गोदान आदि करना चाहिए। इस प्रकार कृच्छादि व्रतों का महत्व शास्त्रों में वर्णित है। व्रत ईश्वर को प्रसन्न करने का सबसे सरल माध्यम है। इससे श्रद्धालु को परम पद की प्राप्ति होती है।